आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कुछ दरिंदों ने मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया और बाबा साहब की प्रतिमाओं पे उन कुत्तों ने गुलाल अबीर लगाकर उन बाबा साहब का अपमान किया और उन्होंने थप्पड़ से भी बाबा साहब की तस्वीर पर उन्होंने मारा। ये घटना आपको ये बता दूं मैं, ये घटना है बिहार की घटना है साथियों। उन कुत्तों को एक बात कह देना चाहता हूँ कि कुत्तों अभी भी ना तुम लोग होश में आ जाओ, और ये बिहार की घटना है। अगर मुझे एक चीज नहीं समझ में आता यार, कोई भी जितने भी भगवान हैं किसी की मूरत नहीं तोड़ी जाती है, किसी की मूरत पे कुछ नहीं किया जाता, अपमान नहीं किया जाता, तो हमारे बाबा साहब के प्रतिमाओं के ऊपर इस तरीके से क्यों अपमान किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि मेरे ख्याल से ये लगता है कि वो डर गए, उन लोग को डर है, क्योंकि बाबा साहब जो हैं जब हम लोग के बीच में थे वो इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अब हम लोगों के जो बीच से नहीं है इसलिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गए। तो इन लोगों की जो है अंदर बहुत ज़्यादा डर आ गया है, क्योंकि जब भी होता है बाबा साहब की कभी प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता है, बाबा साहब के ऊपर कभी काले रंग का लगा दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है, तो इन कुत्तों को एक बात समझा देना चाहता हूँ कि कुत्तों अगर अपनी माँ का दूध पिए हो ना हिजड़ों की औलादों, तो एक बार सामने आके दिखाओ। अगर तुम्हें कोई किसी भी मायने में अगर तुम लोगों को कुछ भी करना है ना, तो एक बार आके सामने आके जो भी करना तुम सामने आके संपर्क करो और आकर मिलो, मिलने के बाद साला जो भी करना है तुम लोगों को उस तरीके से पेश आओ। ये हिजड़ों की तरह कायरों की तरह इधर उधर कभी बाबा साहब की प्रतिमाओं के ऊपर, कभी हमारे समाज के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करने की कोशिश मत करो। ये बिहार की घटना है और ये नीतीश की सरकार सुन ले, नीतीश जी की ये जो सरकार ये सुन ले कि अगर उन कुत्तों को जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीम आर्मी जो है बिहार में भी चलती है, और भीम आर्मी के बहुत से सदस्य मेरी बात भी होती है और बहुत से भाई हैं ऐसे जो कि बिहार से हैं, वो लोग जो उनसे मेरी बात भी होती है। तो अगर ये लोग कहीं भी ये कुत्ते मिलते हैं तो इनको सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को एसटीएट के तहत इन लोगों को मुकदमा लगना चाहिए। इन लोगों को जो भी हो, बाबा साहब का अपमान मतलब देश का अपमान हुआ है, इस देश का संविधान का अपमान हुआ है। तो सभी साथियों से ये मैं बात करने के लिए आया था। और साथियों एक और आपको बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ भाई हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद ये कहते हैं कि भाई आपको कुछ लोग धमकियाँ देते हैं। तो भाइयों मैं एक बात आप लोग को ये बता दूँ कि धमकियाँ तो डेली मिलती हैं, पर मैं धमकियों से नहीं डरने वाला, किसी के बाप से भी नहीं डरता, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बच्चा हूँ, मानव कांशीराम साहब का हम बच्चे हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। सीधी सी बात है, आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद जब तक मेरे ऊपर बरकरार रहा ना, तब तक जो धमकी देते हैं कुत्तों माने में कुछ समझता नहीं, एक बात को ये जान लेना। आखिरी दम तक मर जाऊंगा लेकिन अपने समाज के ऊपर जुल्म नहीं सहूंगा, कोई भी सच्चाई किसी भी समाज के साथ अगर अत्याचार होगा तो उसकी तरफ से मैं आवाज़ उठाऊंगा तो उठाऊंगा, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। मैं उन लोगों को जवाब भी दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं उन लोगों को जवाब दे दूंगा, उनके कमेंट का अगर मैं जवाब दे दूंगा, तो उनके में और मेरे में क्या रह जाएगा? इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात करने के लिए आया था कि जो वो लोग कुत्ते अगर भूखते हैं तो उन लोगों को भूखने दो, हमारा जो काम है हम लोगों को कर अपने आप को हम लोग करें, ठीक है? आप लोगों से ये मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी बहनें मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे पिता समान लोग मुझसे प्यार करते हैं, सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ कि उन कुत्तों को आप लोग भूखने दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता कि दो कुत्ते भूखेंगे तो उससे क्या होगा, 90% तो भाई मुझे प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार इतना ज़्यादा आप लोग देते हो, क्या दो लोगों से कुछ ही नहीं होता यार। बस ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसके लिए आप लोग घबराइए मत, उन लोगों को माने मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि अपने पे आया तो रुक तूफानों का भी मोड़ दूंगा, अभी तेवर कहाँ देखे तुमने हम भीम दीवानों के, तो ये बात बता देना चाहता हूँ। और वो जो धमकियाँ देते हैं कि जान से मार देंगे, कुछ कर देंगे, तो उनको उनके लिए भी कह देना चाहता हूँ कि मौत से वो डरते हैं जिनके अंदर खोट है, हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिपाही हैं, हमारे खून में भी आग है, इस बात को याद रखना। तो सभी साथियों से ये मैं बात करने के लिए आया था कि बिहार की घटना है, नीतीश कुमार की सरकार के अंदर
और इस तरीके से घटना किया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया, कुछ कुत्तों ने मिलकर अपमान किया। तो ये मैं नीतीश की सरकार से मैं कहना चाहूँगा, नीतीश जी की सरकार से कहना चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा दिया जाए कि ऐसे कुत्ते दोबारा हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर अपमान ना कर सके। साथियों तबीयत खराब है लेकिन तभी भी मैं आप लोग के बीच में आता रहता हूँ। जय भीम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना।